आज के आधुनिक समय में जब तकनीकी संचार के बहुत सारे साधन हो गए हैं, एक साधक के लिए या एक जिज्ञासु के लिए अपनी साधना के प्रारंभिक काल में यह बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको किस गुरु और उनकी शिक्षाओं को पढ़ना चाहिए, किसको नहीं, कौन सही है, कौन गलत है। और इस संबंध में फिर साधक जानने का प्रयास करता है इंटरनेट पर उपलब्ध तमाम सामग्री से। किंतु इंटरनेट पर जब हम खोजने जाते हैं, वक्ता का स्वयं भी ये अनुभव रहा है कि अपनी साधना के प्रारंभिक काल में जब वह इंटरनेट पर खोजा करता था, तो इतने विविध दृष्टिकोण, विविध विचार वहां पर मिलते थे कि मन संदेह से भर जाता था। समझ में नहीं आता था कि किसको पढ़ें, किसको नहीं पढ़ें, कौन सही कह रहा है, कौन सही नहीं कह रहा है। ऐसे में वक्ता अपना अनुभव साझा करना चाहता है। जरूरी नहीं कि वह सही हो, और उसे जो सही लगता है वह अपना अनुभव यहां पर साझा करना चाहता है। वह यह है कि आदिकाल से आधुनिक काल तक यदि हम देखें तो पूरे विश्व में कई गुरु हुए हैं, उनकी शिक्षा पद्धति भी विविध रही है, अलग अलग रही है, और कुछ गुरु तो कुछ गुरुओं के ठीक विपरीत शिक्षाएं देते हैं। ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सही है, कौन गलत है। क्योंकि जब हम भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन की ओर सफर करते हैं, तो हम भौतिकता में एक चीज को सही मानते हैं, एक चीज को गलत मानते हैं, लेकिन अध्यात्म में ऐसा नहीं है। अध्यात्म में अलग अलग समय पर अलग अलग मनोदशा के हिसाब से ठीक विपरीत चीजें भी सही होती हैं। इसलिए समय की नजाकत को देखते हुए, समय की मांग को देखते हुए, अलग अलग समयों पर, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थानों पर गुरुओं ने जो सही समझा, साधक की जो समय की परिस्थितियां रही थी, उसकी मनोदशा रही थी, उनका आध्यात्मिक विकास जिस स्तर पर था, उसी के हिसाब से गुरुओं ने भी अपनी शिक्षाएं दी हैं। ये निर्भर करता है आप पर कि आपको कौन सा गुरु सही लगता है, कौन सा गुरु और उनकी शिक्षाएं आपको शांति देती हैं, सुख देती हैं, आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं। उस समय विशेष पर, उस आध्यात्मिक विकास के स्तर पर, क्योंकि आपको अपने जीवन में भी अलग अलग समय पर अलग अलग गुरु और उनकी शिक्षाएं सही या गलत लग सकती हैं। वास्तव में जिस समय जिस वस्तु की महत्ता होती है, वह है उस समय सही होती है और दूसरे समय पर गलत। जैसे कि आपको किसी जगह पर जाना है, तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए ट्रेन या हवाई जहाज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वहां से फिर छोटी जगह पर जाने के लिए आपको ऑटो या तांगा या अन्य किसी साधन की आवश्यकता हो सकती है। तो दोनों ही साधन अलग अलग जगह पर सही हैं। इसी प्रकार से विभिन्न गुरु रहे हैं। कई गुरुओं ने सकारात्मक रूप से अध्यात्म को रखा है, कई गुरुओं ने पूर्णतः नकारात्मक मार्ग अपनाया है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हैं। वक्ता का अनुभव रहा है कि जब उसने यूजी कृष्णमूर्ति जी को पढ़ा, चूंकि यूजी कृष्णमूर्ति जी ने सारी शिक्षाओं को, आत्मज्ञान को, आत्म साक्षात्कार को, सारी पद्धतियों को, सारे मार्ग को, सारे गुरुओं को पूरे तरीके से नकार दिया। प्रारंभ में जब इस वक्ता ने उनको पढ़ना शुरू किया, तो वक्ता को आभास हुआ कि यूजी कृष्णमूर्ति जी अध्यात्म में पूरी तरह से विफल रहे, इसलिए इस तरीके के कड़वे वचन ये सभी के लिए बोलते हैं, इसलिए सभी के लिए भला बुरा बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे वक्ता को यह अनुभव हुआ कि उनके बोलने का भी अपना महत्व है, किसी विशेष प्रयोजन से उन्होंने ऐसा बोला है। और उसके बाद फिर जब वक्ता ने दूसरे गुरुओं को, दूसरे मास्टर्स को पढ़ना शुरू किया, तो फिर समझ आया कि
कि हाँ यूजी कृष्णमूर्ति जी को पढ़ना जरूरी था, तभी ये समझ आ रहे हैं। क्योंकि हमारे पूर्व की धारणा इतनी प्रबल होती है कि गुरु कुछ कह कुछ और रहा होता है और हम उसको समझते हैं अपनी पूर्व धारणाओं के आधार पर। तो तब यूजी कृष्णमूर्ति जी जैसे लोग आते हैं जो आपकी सारी पूर्व धारणाओं को खंडित कर देते हैं, सारे भयों को खत्म कर देते हैं, तब आपको वास्तव में आध्यात्मिक शिक्षाएं समझ आती हैं। इसलिए वक्ता का यह मानना है कि किसी दूसरे के इंटरनेट पर डाली हुई सामग्री या किताब में किसी दूसरे ने किसी के बारे में कुछ और लिख दिया है, किसी को गलत कहा है या सही कहा है, उन पर ना जाएं। आप सारे गुरुओं की शिक्षाओं को खुद पढ़ें, खुद समझें, खुद उनका अर्थ निकालें, किसी दूसरे के इंटरप्रिटेशन या भावार्थों पर ना जाएं, और उसके बाद खुद ये देखें कि आपके लिए उपयोगी है या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि गुरु खुद भी आत्मज्ञानी नहीं होता है, लेकिन वो कुछ ऐसी बातें कह जाता है जो आपके हित के लिए होती हैं, जो या उस समय विशेष पर आपको आपके आध्यात्मिक विकास के लिए उपयोगी होती हैं। तो उन शिक्षाओं को भी हमको अपनाना चाहिए, भले ही गुरु आत्मज्ञानी हुआ हो, नहीं हुआ हो, फ्रॉड रहा हो, व्यापारी रहा हो, लेकिन यदि वो आपके लिए हितकारी हैं, आपको सुख शांति देती हैं, आपको आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं, तो उन शिक्षाओं को हमें पालन करना चाहिए।